आज हम दसवीं कक्षा के लिए संस्कृत के पाठ्य पुस्तक शेमुशी का प्रथम पाठ जो कि एक कविता है उसको आज पढ़ाने के लिए निश्चय किया है। उस पाठ का नाम है शुचि पर्यावरणम। ये बहुत ही एक खूबसूरत संगीतात्मक कविता है जिसको आप गाना सीख जाएं तो ये स्वयं ही याद रह जाएगा, इतना सुंदर ये कविता है।
तो कैसा लगा ये गाना? चलिए अब इस गाने के, इस गीत के कवि के बारे में संक्षेप में जानते हैं। इस गीत के रचयिता हैं प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, जो कि उनकी मूल रचना लसल लतिका इस ग्रंथ से हमने इस पाठ में उद्धृत किया है शुचि पर्यावरणम। और इसका केंद्र विषय क्या है? पर्यावरण की स्वच्छता। चलिए इस गीत के अपने धुन सुना, उसी को आप गुनगुनाते रहिए। अब उसके शब्दों को हम पहचानते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचिपर्यावरणम महानगर मध्ये चलद अनिशम कालायस चक्रम मनःशोषयत् तनुःपेषयत् भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम शुचिपर्यावरणम। अब इस शब्द के जहाँ जहाँ पर दो शब्दों को जोड़कर संधि हो गया है उसको पहले अलग अलग कर लेंगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। दुर्वहम अत्र, दुर्वहम अत्र, तो दुर्वहम दुखेन उह्यते इति दुर्वहम, जिसका वहन करना कष्टकर होता है, दुखेन उह्यते अर्थात अब सहना जिसको मुश्किल है उसको कहते हैं दुर्वह। अत्र जीवितम जातम, जीवित शब्द का हमारे सामान्य भाषा में जो अर्थ होता है कि हम जीवित हैं, यानी जीवन के साथ हैं। अत्र यहाँ जीवितम जीवन, दुर्वह यानी सहने लायक ना हो, ऐसा हो गया है जातम, यानी असहनीय हो गया है यहाँ पर जीवन। तो प्रकृतिरेव शरणम, तो प्रकृति ही हमारा शरण है, यानी जो निसर्ग, जो प्रकृति, जो नेचर है, यही हमारा भी शरण है, हमें उसी के शरण में जाना चाहिए। और शुचि पर्यावरणम, महानगर मध्ये चलत अनिशम कालायस चक्रम। आयस चक्र शब्द का अर्थ है लोहे का चक्का। तो काल रूप जो आयस चक्र है ये अनिशम चलत, अनिशम शब्द का अर्थ है दिन रात, अहर निशम, यानी जिस जो कभी रुकता नहीं है। आप दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों को देखिए, विश्व के सभी महानगरों को देखिए, वहाँ रात में भी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, रात में भी शोर शराबा होते रहता है, घर में लोग सुनते हैं, सोने के समय में भी आवाज़ सुनते सुनते ही सोते हैं। तो ऐसा बहुत अप्राकृतिक जीवन हो गया है। महानगर मध्य चलद अनिशम कालायस चक्रम, ऐसा लोहे का चक्का, चाहे गाड़ियों का, वाहनों का जो चक्र चलते रहता है, ये कैसा है? मनःशोषयत्, मन को शोषित कर लेता है, सकिंग आवे। तनुःपेषयत्, हमने शरीरों को पीस लेता है। भ्रमति सदा वक्रम, ये कभी सीधे रास्ते में नहीं चलता है, बहुत ही टेढ़ा चलता है ये जो लोहे का चक्का है, काल रूप जो लोहे का चक्का है, वो टेढ़ा चल, आढ़ा टेढ़ा चलते हुए हमारे मन को शोषित कर रहा है, हमारे शरीर को पीस रहा है। दिन रात महानगरों में ये
लोहे का चक्र चल रहा है। तो वो लोहे का चक्र कैसा है? मानो उसके जो दांत है, चक्र के जो दांत है, वो दुर्दांत है, बड़े भयंकर है। दुर्दांतैर दशनैर अमुना स्यान नैव जनग्रसनम। हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। दुर्दांतैः दशनैः अमुना स्यान, स्यान नैव, स्यात् न एव जनग्रसनम। कह रहे हैं कि दुर्दांतैः दशनैः, दशन शब्द का अर्थ है दांत, जिससे हम काटते हैं वह है दांत। तो वो मानो उसके दांत बड़े भयंकर है, दुर्दांत है। दुर्दांतैः दशनैः अमुना, अमुना मतलब इस ये जो काल चक्र है, इस काल चक्र के दुर्दांत दांतों से कहीं ऐसा न हो जनग्रसनम स्यात् न एव। जनग्रसनम यानी लोगों का, मानो लोगों को ये काल चक्र, ये लोहे का चक्र उनको खा जाएगा, मानो ऐसा ऐसा ना हो कहीं। दुर्दांतैः दशनैः अमुना स्यात् नैव जनग्रसनम। अब इस वाक्य को पूरा हम अन्वय करके देखते हैं, काफी बड़ा वाक्य है। अनिशम महानगर मध्ये कालायस चक्रम चलत मनशोषयत तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति। ये जो लोहे का चक्र है, ये दिन रात महानगरों में हमेशा टेढ़ा चलता है और उससे मन का शोषण हो जाता है, शरीर का पेषण हो जाता है। और दुर्दांतैः अमुना दुर्दांतैः दशनैः जनग्रसनम नैव स्यात् इति शंका, कि इसके दुर्दांत दांतों से कहीं ये लोग नष्ट न हो जाए। जनग्रसनम यानी ये जो इसके दांत जो हैं वो लोगों को खा ना जाए, ऐसा अर्थ वो शंका जाहिर कर रहे हैं कवि। शुचि पर्यावरणम, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि शुचि पर्यावरणम स्यात्, यानी पर्यावरणम शुचि स्यात्, पर्यावरण जो है वो स्वच्छ रहे, तब ये कष्ट हमें सहना ना पड़े। तो चलिए अभी हम इस गीत के अगले पंक्ति समझते हैं। कज्जल मलिनम, कज्जलम इव मलिनम, यानी काजल के समान मैला यानी काला ऐसा धुआं, धूमम। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम, शकटीयानानाम शतम, शतशकटीयानम। शकटीयान शब्द का अर्थ है ये जो गाड़ी घोड़े सब चलते हैं रास्ते में, व्हीकल्स। तो शकटीयानों का सैकड़ों, सैकड़ा। ये जो मुंचति यानी त्यजति, जो छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? धूमम धुआं। और वो धुआं कैसा है? काजल के समान काले धुएं को छोड़ते हैं ये शतशकटीयानम। बाष्पयानमाला संधावती वितरंती ध्वानम। बाष्पयान किसको कहते हैं? ट्रेन को कहते हैं, रेल को। बाष्पयान माला यानी उनकी श्रृंखला, एक के बाद एक ट्रेन चलते रहते हैं एक पटरी के ऊपर, संधावती भागते रहते हैं। वितरंती ध्वानम यानी हॉर्न बजाते हुए ये पटरी के ऊपर एक के बाद एक दौड़ते रहते हैं। यानानाम पंक्तयः, गाड़ियों की पंक्ति, कई पंक्ति ही अनंताः, उनके पंक्ति तो अनंत है। कठिनम सम शरणम, आप रास्ते पर इस तरफ से उस तरफ जाना कितना कठिन हो जाता है, क्योंकि गाड़ियों की पंक्ति एक के बाद एक लगातार चलते रहते हैं। कठिनम सम शरणम, सम शरण श्री धातु से बनता है
यानि मूव करना, चलना। आगे चलते हैं, वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिः अंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। देखिए कवि क्या कह रहे हैं, वायुमंडलम भृशम दूषितम, अर्थ स्पष्ट समझ में आ रहा है, वायुमंडलम भृशम दूषितम, भृशम मतलब बहु, बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है वायुमंडल। नहीं निर्मलम जलम, यानि निर्मलम जलम नास्ति, जलम निर्मलम नास्ति, कहीं पर भी पानी स्वच्छ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्य यानि भोजन, जो हम भोजन करते हैं, खाद्य हमारे, ये कुत्सित वस्तु मिश्रित अडल्टरेटेड फूड हो गया है। करणीयम बहिः अंतः जगति तु बहुशुद्धिकरणम, जगति यानी इस जगत पर, बहिः अंतः तु बहुशुद्धिकरणम करणीयम, अनेक शुद्धिकरण की आवश्यकता है और पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, शुचि पर्यावरणम स्यात्। आगे बढ़ें, अब कवि जो है ये पूरे वर्णन करने के बाद एक सपना देखना चाहता है। कंचित कालम नयमाम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। तो कवि यहाँ पर एक स्वप्न देख रहे हैं कि कोई तो मुझे कंचित कालम नयमाम मुझे ले जाओ अस्मान नगरात बहुदूरम, इस नगर से बहुत दूर कहीं मुझे ले जाओ। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, ताकि मैं देखूं इस महानगर से बहुत दूर जाकर कहीं मैं किसी ग्राम के अंत में, किसी गांव के बगल में मैं देखूं। प्रपश्यामि मैं कुछ देखूं, निर्झर यानी झरना, नदी झरना देखूं, नदी देखूं जहां पानी भरपूर बह रहे हों, पयः पूरम। एकांते कांतारे, कांतार शब्द का अर्थ है बगीचा या जंगल, छोटा जंगल, वहाँ पर किसी बगीचे में, किसी जंगल में, एकांत में, क्षणमपि में, एक क्षण के लिए ही सही, स्यात् मे संचरणम, मेरा चलना फिरना वहाँ पर, मैं कुछ वहाँ पर टहलूँ। हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यान मे वरणीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम, हरित यानि हरे, हरे भरे ऐसे पेड़, तरु शब्द का अर्थ है पेड़। तो हरित तरुणाम ललित लता नाम, ललित मतलब खूबसूरत, सुंदर, ऐसे लताएं। हरित तरुणाम ललित लता नाम माला यानी श्रृंखला, उनका समूह, रमणीया। हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया कुसुमावली यानी फूलों का गुच्छा, अवली मतलब पंक्ति, फूलों की पंक्ति, जब बगीचे में बहुत फूल खिलते हैं तो वहाँ उनकी पंक्ति बन जाती है। कुसुमावली ही समीर चालिता, जब फूलों की पंक्ति समीर यानि हवा, हवा से चलने लगते हैं, बहते हैं, हिलते डुलते हैं, स्यान में वरणीया,
वो मेरे लिए वरणीय है, मतलब मेरे लिए बहुत आदरणीय है, बहुत स्पृहणीय है, चहते हैं। नवमालिका रसालम मिलिता, नवमालिका एक लता है, वो रसालम मिलिता, रसाल मतलब बड़े पेड़, आम के पेड़, उसको मिल जाता है। पेड़ के ऊपर जब लताएं चढ़ती हैं, रुचिरम संगमनम, ये बहुत ही मनोरम मिलन होता है। रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम अयि चलबंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुरिया जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कह रहे हैं कि अये बंधो, हे बंधु, चला चलो, कहाँ चलो, खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, उस देश को चलो, उस प्रदेश को चलो, उस इलाके में चलो जहाँ पर वन हो, जंगल हो, और वो जंगल कैसा, जहाँ पर खगकुल, खग शब्द का अर्थ है पक्षी, क्यों खग पक्षी को खग क्यों कहते हैं, खे गच्छति आकाशे गच्छति, ख शब्द का अर्थ है आकाश, उनका कलरव, उनका जो चिरपिंग साउंड है, जो उनका ध्वनि है, उससे गुंजित वन देश, पूरा कलरव संभ्रमित जनेभ्य धृत सुख संदेशम, तो लाके हे बंधु चलो उस वन प्रदेश में जहाँ पर पंछियों का चहचहाट भरा हो, पूरा कलरव संभ्रमित जनेभ्य, यानी उस ध्वनि से लोग संभ्रमित हो जाएं, धृत सुख संदेशम, और एक सुख का संदेश को धारण करते हुए जिस क्षेत्र में लोग हों, वैसे जगह पर चलो हम चलते हैं, चलो चला बंधु। चाक चिक्य जालम नो कुरियात जीवित रसहरणम, जीवित शब्द का पहले हमने अर्थ बताया, यानी जीवन, जीवन रसहरणम न कुरियात, हमारे जीवन के रस का हरण कहीं ये ना कर दे और शुचि पर्यावरण हो। अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। तो कभी कहते हैं कि ये पेड़ पौधे लताएं ये कहीं इस विशाल भवनों के पत्थरों के नीचे रौंदे न चले जाएं, नष्ट न हो जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान न समाविष्टा, कह रहे हैं कि एक समय था प्रस्तर युग, स्टोन एज, तो यहाँ पर अभी भी दोबारा से वो स्टोन एज आ रहा है, लेकिन उसका स्वरूप और इसका स्वरूप में बहुत अंतर है। यहाँ पर ये सीमेंट बन जाता है स्टोन, जिससे वो बिल्डिंग खड़े होते हैं, चारों तरफ कंक्रीट का जंगल होता है, ये एक प्रकार का स्टोन एज आ रहा है। मानवाय जीवनम कामये, मानव के लिए हम जीवन चाहते हैं, नो जीवन मरणम, ना कि जीते जी मरण चाहते हैं, अतः शुचि पर्यावरणम, इसीलिए पर्यावरण स्वच्छ हो, इतना महत्वपूर्ण है ये बात। और आज के समय में तो हम देख रहे हैं कि कितना इसका महत्व है। यहाँ पर एक बिंदु पर आपका ध्यान में लेना चाहता हूँ, देखिए नो, तो ये नो क्या है, अंग्रेजी में भी हमारा नो है ना, ये वही नो है, और यानी ना, लेकिन यहाँ पर संस्कृत का दो शब्दों का संधि हो गया है, न और उ। न शब्द का अर्थ है ना, जो जिसका अंग्रेजी में नो होता है नहीं, और उ एक अनर्थक निपात, एक अव्यय उसके साथ जुड़ा हुआ है, उससे संधि होकर
नो हो जाता है गुण संधि होकर, तो वो का अर्थ कुछ नहीं है, किंतु वो एक पाद पूर्ण निपात है। दो बार यहाँ पर प्रयोग हुआ है नो, तो चलिए इस प्रकार के स्वच्छ पर्यावरण आपके सामने कवि ने प्रस्तुत की है। और ख़ास करके छात्रों, आज के समय में आप लोग प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि जब मनुष्य घर में बंद होकर रह जाता है कुछ दिन, जब एक महीना ही घर में हम तालाबंदी में रुक जाते हैं, तो वातावरण स्वतः कितना स्वच्छ हो जाता है। तो जब इतना हम थोड़े से संयम कर लेने से वातावरण इतना स्वच्छ हो जाता है, तो क्यों ना हम इसको हम हमारे जीवन के हैबिट बना लें कि हम अपने चारों ओर कहीं पर भी प्रदूषण ना फैलाएं, और जितना हो सके उतना हम प्रकृति की संरक्षण करें। एक हमारा विकास भी होता रहे, लेकिन वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ होता रहे, ना कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ग्रोथ हो कि हम इतना ग्रोथ करें कि अपने आप को नष्ट ही कर डालें। तो इसीलिए इस पाठ का आनंद भी लेना है, एक समझ भी बढ़ानी है, और अपने जीवन में भी आचरण में भी इसको उतारना है। इस संदेश के साथ हम छात्रों को सब शुभकामना देते हैं। स्वच्छ रहिए, पर्यावरण स्वच्छ पर्यावरण में ही रहिए। चलिए, धन्यवाद।